ना दिस इज माई लास्ट क्लास टॉपिक है आपका ट्रांसजेनिक एनिमल और ये आपका पूरा डायग्राम एक देख लीजिए इस डाइग्राम में आप देख रहे हो यहाँ द माइक्रो इंजेक्शन ऑफ डी एन ए इंटू फर्टिलाइज एग फॉर जनरेसन ऑफ़ ट्रांसजेनिक एनिमल्स माइक्रो इंजेक्शन ये है आपका माइक्रो इंजेक्शन ये माइक्रो इंजेक्शन है ग्लास माइक्रो इंजेक्शन नेडल इस नेडल से माइक्रो एक तो आप जानते हो इंजेक्शन तो आप सुने हो जो हम लोग को इंजेक्ट करते हैं वो इंजेक्शन यहाँ माइक्रो वर्ड लगा है इट मींस कि यहाँ मोलिकुलर लेवल पे यहाँ पे इंजेक्ट किया जा रहा है डीएनए को आपके न्यूक्लियोटाइड्स को वो डिजायर्ड डीएनए को वो अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं कहाँ इंजेक्ट कर रहे हैं मेल प्रोन्यूक्लियस में मेल प्रोन्यूक्लियस की साइज आपकी बड़ी है और वो पेरिफेरल रीजन में सरफेस के पास होता है उसमें इंजेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्लास माइक्रो इंजेक्शन नेडल और इसके अंदर ये देखिए इस तरह से एक डिज़ायर्ड डीएनए का सीक्वेंस है उसे इंजेक्ट कर रहे हैं ये दूसरा ये डार्क वाला फीमेल प्रोन्यक्लियस है और ये पूरा आपका एक फर्टिलाइज्ड एग इसको इसलिए बोलेंगे कि इसमें मेल एंड फीमेल प्रो निकलियस दोनों हैं क्योंकि अब ये फर्टिलाइज हो जाएगा और इसमें माइक्रो इंजेक्शन ऑफ डी एन ए इंटू एग्स फॉर जनरेशन ऑफ ट्रांसजेंडिक एनिमल और इस तरह से इसके जीन में चेंज किया गया और दोनों जब फर्टिलाइज हो जाएंगे जयगोड बनेंगे उसके बाद ये आपका जो एनिमल बनेगा वो एनिमल आपका कहलाएगा ट्रांसजेनिक एनिमल ये एक इम्प्रूवड मोलिकुलरली वो इम्प्रूव्ड वेराइटी जो है एनिमल का वो बन जाएगा तो वो कहलाता है ट्रांसजेनिक एनिमल दूसरा यहाँ पर डायग्राम है शायद पूरा दिख रहा होगा देखिए एक रैट लिए इसी को फिर डिटेल में यहाँ एक रैट लिया गया रैट से उसके इम्रियो को हार्वेस्ट ले लिया गया निकाला गया उसके इम्रियो उसको इम्रियो में भी एक फिर वह ये सेम ऊपर वाला ही है एक फीमेल प्रोन्यूक्लियस एक मेल प्रोन्यूक्लियस इस मेल प्रोन्यूक्लियस में माइक्रो इंजेक्टेड डिजायर डीएनए इंजेक्ट किया गया देखिए इस तरह से ये डीएनए को इंजेक्ट कर दिया गया मेल प्रोन्यूक्लियस में डालने के बाद इस इम्रियो को अब यहाँ से ये इस रैट से लिया गया है अब इस इसे एक सरोगेट मदर में के अंदर उसे डाल दिया गया सरोगेट मदर जहाँ पे कि आपका वो डेवलप होगा सो ट्रांसफर इन टू मदर सैरोगेट रैट में उसे इम्प्लांट कर दिया गया इम्प्लांट करने के बाद उसका बर्थ बर्थ ऑफ प्रोजनी और इस तरह से एक ट्रांसजेनिक प्रोजनी आपका तैयार हो गया बन गया कंटेनिंग डिजायर डीएनए अब ये जो प्रोजनी है ये कहलाएगा फाउंडर एक नए तरह का आपका ये डीएनए जो यहाँ माइक्रो इंजेक्ट किया गया तो जो चेंज हो गया चेंज्ड डीएनए के साथ ये प्रोजनी आपकी तैयार हुई ट्रांसजेनिक प्रोजनी तो ये कहलाएगा अब आपका फाउंडर ठीक है इस फाउंडर को अब इस तरह के इस यहाँ से बहुत सारे इस तरह से ब्रीड आपके ट्रांसजेनिक अप्रोजनी के आएंगे उसमें कुछ नॉर्मल भी होंगे अप्रोजनी कुछ ट्रांसजेनिक भी होंगे जिसमें ये इंजेक्ट किया गया उस तरह के जो भी होंगे इम्ब्रियोज वो तो ट्रांसजेनिक होंगे कुछ नॉर्मल भी होंगे उसमें से अब सेलेक्ट कर लेना है इस तरह वाले ट्रांसजेनिक वाले को सेलेक्ट प्रोजनी और उसमें आपस में ब्रीड कराया गया एंड कंटिन्यू जर्म लाइन अब जो जर्म लाइन है वो उसके बाद वो कंटिन्यू हो जाएगा इस तरह से आपका बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल का फॉर्मेशन होगा और नीचे लिखा गया क्या शोइंग ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोडक्शन इन माइस ओके okay? तो ये पूरा आपका एक प्रोसीजर भी कि रैट से इस तरह से आपका तैयार किया गया तो फाउंडर क्या है जब इस तरह के बहुत सारे बन जाएंगे जिसमें कि वो डिजायर डीएनए आ गया जिस एनिमल में अब उसे फाउंडर कहेंगे उससे फिर बहुत सारे प्रोजेनी लेंगे और जिस सरोगेट मदर तो फॉस्टर कहलाता है फॉस्टर ठीक है ना एंड लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे इम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मेथड ये सारे मेथड्स हैं जितने जैसे ये एर्थ नंबर पे आए हैं आपका तो ये आपका ज़्यादा एप्लीकेबल है और शुरू वाले जो थे वो सब शुरुआत में थे कि सब में आपने देखा different, different methods है डिफरेंट डिफरेंट मेथड से डिज़ायर डीएनए को किस तरह से सेल में इंसर्ट कर देना है इसके ही डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं तो अब है यहाँ पे इम्ब्रियनिक सेल में ये डिज़ायर डीएनए का आपका इंसर्ट करना सो सेल्स फ्रॉम द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज ऑफ ए डेवलपिंग माउस इम्ब्रियो कैन प्रोलिफिरेट इन सेल कल्चर पहले इसमें जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज हम लोग लास्ट क्लास में बताए हैं कि इस तरह का कंडीशन ये है आपका ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन इनर सेल मास जब ब्लास्टूला स्टेज आएगा उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आता है जिसमें वो यूटेरस में इम्प्लांट होता है इसी कंडीशन को लिया गया और यहाँ पर इस तरह का इसे कल्चर किया गया सो डेवलपिंग माउस इम्ब्रियो कैन प्रोलीफिरेट डिवाइड किया गया इन सेल कल्चर ब्लास्टोसिस्ट स्टेज वाले एंड स्टिल रिटेन द कैपेबिलिटी ऑफ डिफ्रेंसीटिंग इन टू ऑल अदर सेल टाइप्स और उसमें अभी भी वो कैपेबिलिटी होती है इनर सेल मास में वो है उसके स्टेम सेल्स तो उसमें ये कैपेबिलिटी है कि वो डिफरेंट टाइप्स के अब आपके सेल्स वहाँ से आप जानते होंगे कि स्टेम सेल्स जो हैं स्टेम सेल्स को प्रिजर्व किया जाता है क्रायो प्रिजर्व करके रखा जाता है क्योंकि इन फ्यूचर अगर जिस पर्सन का रखा गया कि इन फ्यूचर में अगर वो ऑर्गेन कोई ऑर्गेन आपका डैमेज होगा तो वो स्टेम सेल जो प्रिजर्व करके रखा गया है उससे जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेन जो डैमेज हुआ है वो ऑर्गेन बनाया जा सकता है तो इसलिए इसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो डिफरेंट अदर टाइप के सेल्स बनाने का चाहे मसल सेल्स हों किडनी के सेल्स बनने हों लीवर बनने हो, जो इस तरह की कैपेबिलिटी उसमें स्टेम सेल्स में होती है तो सच सेल्स आर कॉल प्लोरीपोटेंट इम्ब्रियनिक स्टेम सेल्स तो उस तरह के सेल्स को प्लोरीपोटेंट कहते हैं ठीक है ना वेन इन कल्चर जब उस तरह के सेल्स को कल्चर कर लें बहुत मैंने उसके नंबर्स बढ़ा लें ना इम्ब्रियनिक स्टेम सेल्स कैन बी रेडीली इंजीनियर्ड जेनेटिकली विदाउट अल्टरिंग देयर प्लूरीपोटेंसी अब इस तरह के सेल के नंबर को पहले बढ़ा लेना अब बढ़ाने के बाद उसके सेल को में जेनेटिकली उसको चेंज करना है इंजीनियर्ड इंजीनियर्ड जेनेटिकली और उस सेल्स को चेंज करना है कि यहाँ आप देख रहे हैं माइक्रो इंजेक्ट करके इसके सेल के का को चेंज करना है उसमें डिजाइड डीएनए को इंसर्ट करके उसके नेचर को चेंज करना है इम्प्रूव करना है वैरायटी को इम्प्रूव करना हुआ तो वो चीज़ तो वो इम्प्रूव करा जाएगा और विदाउट चेंज देअर प्लूरी पोटेंसी में जो स्टेम सेल का जो कैरेक्टर है कि वो आपका कैपेबल है कि अदर सेल में वो इन फ्यूचर वो डिफ्रेंशिएट हो जाए तो वो चीज़ उसकी बरकरार रहे उसमें कोई चेंजेस ना ना आए सो विदाउट अल्टरिंग विदाउट एनी चेंजेस उसके कैरेक्टर में उसको जेनेटिकली उसको चेंज किया जाएगा सो so ए फंक्सनल ट्रांसजीन कैन बी इंटीग्रेटेड एट ए स्पेसिफिक साइट अब क्या होगा ए फंक्सनल ट्रांसजीन जो हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं माइक्रो इंजेक्शन से उसमें आप पहले पढ़ चुके हैं कि जो जीन ट्रांस ट्रांसफर कर रहे हैं उसे ट्रांसजीन कहेंगे तो वो जीन को अब इंटीग्रेट कर देंगे एट ए स्पेसिफिक साइट पर्टिकुलर साइट पर आपके डी में वो सेल के अंदर पर्टिकुलर साइट पर उसे इंटीग्रेट कर देंगे इन द जीनोम ऑफ एम्ब्रियनिक स्टेम सेल्स ए स्टेम सेल का जो जीनोम है जीन है जो जीन ऐसा जीन है इसमें हमें कट करके और यहाँ पे इंसर्ट करना है अगर कोई ट्रांसजीन को तो उसे हम इंसर्ट कर देते हैं ना अब इस तरह से जब इंसर्ट करेंगे तो वो सेल हो गया ट्रांसफेक्टेड ट्रांसफेक्शन मेथड सो ट्रांसफेक्टेड इम्ब्रियनिक स्टेम सेल्स आर आइडेंटिफाई अब सेल्स में हम लोग जब इंसर्ट कर देंगे तो उसके बाद पहले पहचानना होगा सेलेक्ट करना होगा कि किस सेल में ये सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ सारे में आप इंसर्ट करते हैं बर... बट सारे में सक्सेसफुली वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा किसी में वो सक्सेसफुली uh, वो आगे कल्चर होने लगेगा हो सकता है किसी सेल्स में वो नहीं फेल्योर uh, हो गया तो इसलिए बहुत सारे में जो जब वर्क किया जाता है ना तो कई सेल्स लेके उस पर वर्क किया जाता है कि कुछ उसमें सक्सेसफुल हो हैं कुछ में वो सक्सेस नहीं आ पाता है मैं तो फर्टिलाइज नहीं कर पाया या ट्रांसफ़र नहीं हो पाया तो इसलिए अब ट्रांसफेक्टेड सेल्स को आइडेंटिफाई करेंगे पहचानेंगे और उसको सेलेक्ट कर लेंगे कि किस में जो सेल में गया है ठीक है जनरली बाय एम्प्लॉयिंग ए सेलेक्टेबल मार्कर अब ये सेलेक्शन जो करना है उसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं सेलेक्टेबल मार्कर का यूज़ करेंगे कि ये मार्कर हमें मार्कर जीन जो है वो हमें बता देगा उस सेल में कि ये जीन इस सेल में आपने ट्रांसजीन को इंसर्ट किया वो मार्कर जो है वो हमें बताएगा और जब वो बता देगा कि ये सेल हमें सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है इसमें तो उस तरह के सेल का क्लोन बना लेंगे उसके बहुत सारी कॉपी बना लेंगे ठीक है द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स यूजिंग ट्रांसफेक्टेड इम्रियोनिक स्टेम सेल्स क्लोन अब हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल का जब प्रोडक्शन करना होगा हमें तो इस तरह से ट्रांसफेक्टेड वाले इम्ब्रियनिक स्टेम सेल का जो क्लोन है उसको हम लोग डिफरेंट मेथड से इंसर्ट करेंगे सो द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स यूजिंग ट्रांसफेक्टेड इम्ब्रियनिक स्टेम सेल्स क्लोन्स मे बी अचीव्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग टू वेज और इस तरह से हम लोग इसका प्रोडक्शन जो करेंगे एनिमल का ट्रांसजेनिक एनिमल का उसमें हम लोग ट्रांसफेक्टेड इम्ब्रियनिक सेल्स जो हैं ये जो सेलेक्ट किए हैं उसे हम उसका जो क्लोन हम लोग के पास है बहुत सारी कॉपी है उसको हम लोग जो इंसर्ट करेंगे उसके लिए टू मेथड्स यहाँ पे हैं इम्ब्रियनिक स्टेम सेल में कैसे इंजेक्ट करना है उसके लिए ना फर्स्ट मेथड है इंजेक्शन मेथड ठीक है इंजेक्शन मेथड में द क्लोन्ड इम्ब्रियनिक स्टेम सेल्स आर इंजेक्टेड इन टू द ब्लास्टोसील ऑफ ब्लास्टोसिस्ट स्टेज ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में जब इम्ब्रियो आ जाएगा तो उसके ब्लास्टोसील में ये ट्रांसफेक्टेड इम्ब्रियनिक स्टेम सेल को विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इंजेक्शन उसे इंसर्ट करते हैं इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू ट्रांसप्लांट द इम्ब्रियनिक स्टेम सेल्स न्यूक्अस इंटू एन ई न्यूक्टेड फर्टिलाइज्ड ओवम और ये इसे भी पॉसिबल है कि जो हम लोग ट्रांसप्लांट कर रहे हैं इम्ब्रियनिक स्टेम सेल न्यूक्लियस को आ, को ही हम लोग इंसर्ट कर दें फर्टिलाइज ओवम में जो कि ई न्यूक्टिड है उसमें हम लोग उसे ट्रांसप्लांट उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक ये मेथड है उसका भी ये डायग्राम देखिए मेथड वन ये डीएनए है आपका ये आपके इम्ब्रियनिक स्टेम सेल ले लिया ये सब इम्ब्रियनिक स्टेम सेल्स है ये कल्चर डिश में और उसमें डीएनए को इंसर्ट कर रहे हैं इस से एरो दिखा रहा है कि डीएनए को इंसर्ट कर रहे हैं डीएनए नहीं है ये इम्ब्रनिक स्टेम सेल्स हैं अब इसमें डीएनए को इंसर्ट कर रहे हैं डिजायर डी को इंसर्ट कर रहे हैं इंसर्ट करने के बाद उसमें से सेलेक्ट कर लेंगे अब ये इम्ब्रियनिक स्टेम सेल्स जो हैं ये ट्रांसफेक्टेड स्टेम सेल्स हो गए जब डी इसमें इंसर्ट हो गया इम्ब्रियनिक स्टेम सेल्स में तो ये सेल्स जो हैं इमरानिक स्टेम सेल्स वो ट्रांसफेक्टेड हो गए और ये जीन को हम लोग इसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये जीन हमारा ट्रांस जीन हो गया अब इसमें से हमें सेलेक्ट करना है सेलेक्ट फॉर सेल्स एक्सप्रेसिंग डिज़ायर्ड जीन अब उस तरह के सेल्स को यहाँ से सेलेक्ट करना है जो एक्सप्रेस कर रहा है डिज़ायर्ड जीन को ये वाले जीन को जो एक्सप्रेस कर रहा है उस तरह के सेल्स को हम लोग को सेलेक्ट कर लेना है सेलेक्ट करने के बाद ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है इसमें ये इनर सेल मास है ठीक है इंजेक्ट ट्रांसफॉर्म्ड इम्ब्रियनिक स्टेम सेल्स यहाँ से जो लिया है सेलेक्ट करके उसे इंजेक्ट कर रहे हैं इंजेक्ट ट्रांसफॉर्म्ड इम्ब्रियनिक स्टेम सेल्स इनटू इनर सेल मास इस इनर सेल मास में माइक्रो इंजेक्शन से इसे यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं ट्रांसफॉर्म ठीक है ब्लास्टोसिस्ट में इंसर्ट कर दिया अब इस ब्लास्टोसिस्ट को इम्प्लांट करना है अब ये इस स्टेज में इम्प्लांट होगा यूटेरस में इम्प्लांट इन यूटेरस यूटेरस में उसे इम्प्लांट कर देंगे तो जिस में जिस रैट में या जिस मदर में इम्प्लांट कर रहे हैं उसे फॉस्टर मदर बोलेंगे फ़ॉस्टर मदर क्योंकि ये मदर वैसा मदर होता है कि जो जो जिसे पहले से एग्जाइट किया जाता है फॉल्स मैटिंग करके कि उसमें हार्मोनल सिक्रीसन स्टार्ट हो जाए क्योंकि जब ये इम्प्लांट हो जाएगा इम्ब्रियो तो यहाँ अब ये मदर उसे हार्मोन देगी तो ऐसे नेचुरल वे में जो हार्मोन इसमें प्रोड्यूस हो रहा है वो तो ये खुद तो मदर अभी थी नहीं पहले से अब उसे इसमें इंसर्ट किया गया है तो अब ये खुद ये फॉस्टर जो एक तरह से कहो किराए वाला जो जैसे वहाँ पे आपका सैरोगेट वही फॉस्टर मदर ये कहलाएगा ठीक है तो फॉस्टर मदर अब इसमें इम्प्लांट कर दिया गया नाउ टेस्ट ऑफ स्प्रिंग फॉर प्रेजेंस ऑफ जीन अब उसके बाद यहाँ टेस्ट किया जाएगा ऑफ स्प्रिंग इस जो इससे आएगा कि उसमें जीन का प्रेजेंस है कि नहीं है नाउ हेट्रोजाइगस ऑफ स्प्रिंग फॉर जीन अब जो जो ऑफ स्प्रिंग आएगा उसमें उसका अपना जीन भी होगा और साथ में हेट्रोजाइगस क्योंकि जो ये जो ट्रांसफर हुआ है वो जीन भी दोनों है तो हेट्रोजाइगस ऑफ स्प्रिंग फॉर जीन आ गया अब उस तरह के हेट्रोजाइगस को मेट कराया गया आपका मैटिंग कराया गया मैटिंग टू हेट्रोजाइगस अब होमोजाइगस फॉर द ट्रांसजीन अब इस तरह से ए, दो दो हेट्रोजाइगस को जब आप ए, मैट कराएंगे तो आपका होमोजाइगस कंडीशन भी आएगा और उस तरह से ट्रांस जीन पूरी तरह से उस जीन में आ गया अब ये इससे लेके आगे हम लोग एनिमल्स बनना स्टार्ट हो गया एक ये मेथड है आपका अब दूसरा मेथड हम लोग तो ये मेथड जो है वो इंजेक्टेबल ये इंजेक्शन मेथड है दूसरा है आपका को कल्चर मेथड को कल्चर मेथड में क्या है नाम से पता चला साथ में कल्चर किया जाएगा सो इन को कल्चर मेथड फर्स्ट इम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आर इंट्रोड्यूस्ड विद द रिक्वायर्ड ट्रांसजीन पहले इम्ब्रियनिक स्टेम सेल में इंट्रोड्यूस किया गया जो जीन है ट्रांस जीन को एंड दस दे एक्सप्रेस द रिक्वायर्ड जीन कैरेक्टर और वो आपका एक्सप्रेस कर रहा है जो जीन आपका रिक्वायर्ड आप लिए हैं वो जीन का कैरेक्टर उसमें एक्सप्रेस होना चाहिए सो नाउ रिपीट द लाइन इन को कल्चर मेथड फर्स्ट ई इम्ब्रियनिक स्टेम सेल्स आर इंट्रोड्यूस्ड विद द रिक्वायर्ड ट्रांसजीन

कल्चर्ड अब उस तरह के इम्ब्रोनिक स्टेम सेल्स को लेके कल्चर किया गया एलोंग विद द नॉर्मल मॉरुला जो नॉर्मल मॉरुला का जो सेल्स है वो सेल्स का इन द कल्चर कंडीशन और साथ में आपके मॉरुला वाला जो है नॉर्मल मॉरुला स्टेज दोनों साथ में ही कल्चर होगा इसलिए इसको को कल्चर मेथड बोला जाएगा ये देखें यहाँ पे ये वाला ये पूरा यहाँ पे उसको पहले एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को लेके उसमें इंसर्ट किए हैं और फिर ये मोडूला में बहुत सारे इस तरह से सेल्स हैं और उसको और ये दोनों को साथ में ही कल्चर किया गया और उसके बाद उसको इम्प्लांट कर दिया गया यूटेरस में सो को कल्चर ऑफ जेनेटिकली मैनिपुलेटेड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को कल्चर साथ में दोनों को कल्चर किया गया एक नॉर्मल जो नॉर्मल स्टेज वाला है उसको भी और, ज, और साथ में जेनेटिकली मैनिपुलेटेड इम्ब्रियनिक स्टेम सेल्स को भी दोनों को देखिए लिखा ना जेनेटिकली मैनिपुलेटेड इम्ब्रियनिक स्टेम सेल्स विथ नॉर्मल मोरूलास्टेज एंड नॉर्मल इम्ब्रियनिक स्टेम सेल्स दोनों को लेके कल्चर किया गया साथ में और उसके बाद उसे इम्प्लांट कर दिया गया यूटेरस में ये आपका मेथड है ठीक है और इधर आपका ये इंजेक्शन में ये दोनों मेथड्स हो जाएंगे एक ये मेथड से और दूसरा है कि प्रोन ये डिज़ायर्ड जीन को डायरेक्ट यहाँ फर्टिलाइजेशन के टाइम में ही इंसर्ट किए जो पहले भी अभी बताया था डायग्राम में वही मेथड को कि इससे इम्प्लांट करके डिजायर्ड जीन को विथ वेक्टर के साथ लेके इसे इंसर्ट कर दिया गया इधर प्रो निकलिया दोनों प्रो निकलिया है और ये पूरा फर्टिलाइज रहेगा जो पहले डायग्राम था ये वाला इसी को ये वाले पूरे को यहाँ पे फिर से साथ में एक तो या तो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में जब इम्रियो डेवलप हो रहा है उस समय डाला गया एक आपका फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले प्रो न्यूक्लियस कंडीशन में है तो उसके प्रो न्यूक्लियाई में ही इंसर्ट कर दिए दोनों कंडी ये भी अब आपका फर्टिलाइज होकर एक बन गया ये ऑलरेडी आपका एक बन चुका है आगे डेवलप हो रहा है तो इस समय जीन में डालना तो ये स्टेम सेल्स हो गया और इस तरह से प्रो न्यूक्लिया में डालना और इसे भी इम्प्लांट कर दिए यूटेरस में किसके फॉस्टर मदर में तो इधर से भी इधर से भी करके तो या ऐसे इंजेक्शन मेथड से डालो चाहे ऐसे इंजेक्शन मेथड से डालो तो ये दो मेथड आपका इंजेक्शन से है आपका बट ये इम्ब्रियोनिक स्टेम सेल वाला नहीं है ये है आपका इम्ब्रियोनिक स्टेम सेल वाला मेथड ठीक है यहाँ पे इंजेक्शन ऑफ ट्रांसफेक्टेड इम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स इन डू ब्लास्टोसिस्ट ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स पहला वाला एंड ऑल्सो सोन माइक्रो इंजेक्शन इन टू टू मीन्स मेथड टू में माइक्रो इंजेक्शन को भी शो किया गया दोनों को मर्ज करके एक साथ यहाँ पे दोनों डायग्राम को कि ऐसे करके इम्ब्रोनिक स्टेम सेल लेके फॉस्टर मदर में इम्प्लांट करिए आप यूटेरस में या आप माइक्रो इंजेक्शन से तो माइक्रो इंजेक्शन वाला ये टू वाला है और ये फर्स्ट वाला आपका स्टेम सेल में चेंजेस ला वो है और नीचे ये वाला डायग्राम आपका कल्चर की आपका ट्रांसजेनिक एनिमल एम्ब्रियनिक स्टेम सेल को चेंज करना है साथ में और साथ में नॉर्मल मोडोला स्टेज दोनों को साथ में कल्चर करके और उसे इम्प्लांट कर देना है इम्ब्रियो में तो इस तरह से आपके एक ट्रांसजेनिक एनिमल आपका तैयार हो जाएगा तो ये आपका पूरा टोटल हो गया टॉपिक कंप्लीट ऑनलाइन क्लास की एक कंप्लीट हो गई अब नेक्स्ट टाइम से आ, मैं आपको फिर से शुरू से लिंक भेजते जाऊंगी कि जिसका छोटा होगा तो वो उसको देखेंगे नेक्स्ट टाइम से ओके okay?